हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो आज गाइज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी। उसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, तेल को गर्म हो जाने देंगे। अब गाइज तेल गर्म हो चुका है, इसमें गोभी डाल लेंगे। तो गोभी को अच्छे बड़ा बड़ा ही काटा है, साथ ही गाइज इसमें ही आलू डालेंगे हम। आलू को भी ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है। अब गाइज हम इसी में आधा छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे ताकि इसका फ्लेवर आए, और आधा ही छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से, और गाइज इसे हाई फ्लेम पे हम लाल होने तक भूनेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे आलू गोभी को। ये देखिए गाइज आलू गोभी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऐसे लाल कर लिया है अच्छे से। अब इसको बंद कर देते हैं और आलू गोभी को अलग प्लेट में निकाल देते हैं। अब गाइस कढ़ाई में वापस से ऑयल डाल लिया है, सरसों का तेल 2 चम्मच, और गाइस तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें चुटकी भर हींग डाल लेंगे, और अब गाइस इसमें कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे। आपके पास जितना भी हो खड़ा गरम मसाला, या फिर आप ना भी डालना चाहें तो ना डालें, और आपके पास जो भी हो आप वो डालें। मैंने यहाँ तेजपत्ता लिया है 2 से 3, दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, और 1 चम्मच जीरा। तो इन सबको डाल लेंगे, मिक्स करेंगे और जीरा को तड़क जाने देंगे। अब गाइस हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 2 से 3 प्याज लिया था, मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें लाल होने तक फ्राई करना है। प्याज गाइस हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ ही ये मैंने कुछ स्प्रिंग अनियन लिए हैं, जो पत्ते वाला प्याज होता है, ये ऑप्शनल है, अभी सीजन चल रहा है, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए मैंने डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर लें। मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से। गाइस मैं इसमें ये अनियन की प्योरी बना ली थी, 2 प्याज को पीस लिया, वो डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर हमने जो प्याज डाला था स्टार्टिंग में, आप चाहें तो उसे स्किप कर लें। मिक्स करेंगे। अब गाइस इसमें टमाटो प्योरी भी डाल लेंगे, तो ये 3 से 4 टमाटर की प्योरी बना ली है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब गाइस मैं इसमें दही डाल दूंगी, तो ये 2 से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम लो करके दही डालें। गाइस दही डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे, तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। अब गाइस 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालें। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे, और 1 चम्मच ही गाइस धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे, और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब गाइज इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डाल लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट ये डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अब गाइज मसालों को अच्छे से ढक के 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे। गाइज मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो ये आलू और गोभी फ्राई किया था वो डाल लेंगे, और साथ ही गाइज इसमें मैं कुछ मटर भी डालूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल लेंगे। वाटर की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको अगर ड्राई रखना हो तो थोड़ा ड्राई रख लें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गाइज इसमें ये हरी मिर्च डाल लेंगे, 3 हरी मिर्च को मैंने बीच से स्लिट कर दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक के पका लेंगे जब तक आलू और गोभी अच्छे से पक नहीं जाते। गाइस ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है, आलू गोभी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें कुछ धनिया की पत्तियां डाल लेंगे, और गाइस अब मैं आपको इसे सर्व करके फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए गाइस, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने बोल में सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। गाइस ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम रेस्टोरेंट लाइक लगती है। इसे आप राइस, रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सबके साथ ही ये परफेक्ट जाती है। तो गाइस अगर आपने ऐसे ट्राई नहीं किया होगा, एक बार मेरे तरीके से प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसे आप के यहाँ कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या गेस्ट आ रहे हो तभी भी आप इसे बना सकते हैं, सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो गाइज ये रेसिपी ट्राई करिएगा, कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।